शब मेराज की रात घर में मछली जरूर पकाया करो क्योंकि जो इंसान शबे मेराज की रात घर में मछली पकाता है तो वो आने वाले पूरे साल रिस्क में बरकत पाता है क्योंकि शब मेराज की रात मछली पकाना और मछली पर खून सुर रहमान पढ़कर खाना एक ऐसा अफजल अमल है जो रिस्क में गैबी फरावानी लाता है रिस्क में बंदिशों को खत्म करता है जो लोग जिनके काम रुके हुए हैं, उनके कामों या शादी में बंदिश है अल्लाह के कर्म से, जैसे ही शबे मराज की रात घर में मछली पकाएंगे और उस पर सूर रहमान पढ़कर खाएंगे तो वो तमाम बंदिशों से अल्लाह की पनाह में रहेंगे तमाम मुसीबतें उसी पल खत्म हो जाएंगी और तमाम दुआएं अल्लाह कबूल कर देगा क्योंकि शबे मराज की रात को ईद की तरह मनाना और उस रात मछली पकाना बहुत ही अफजल अमल है जो इंसान को तमाम परेशानियों से दूर रखता है लेकिन कोशिश की जाए अगर मछली पकाई जाए तो उसके साथ दो से चार घंटे के बाद ही मीठी चीज खाई जाए यानी मीठी चीज और दूध वाली चीजें मछली के साथ न खाई जाएं इन आप तमाम हाजतों को अल्लाह की दरबार में कबूल करवाएंगे